हेलो गाइस, दिस इज मानस, यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, ये है वीक 3 का वीडियो जिसमें हम पुश पुल लेग्स करने वाले हैं। मींस ये हमारा 3 दिन का स्प्लिट है जिसमें हम फर्स्ट डे यानी मंडे को पुश करेंगे, ट्यूसडे को पुल करेंगे एंड वेंसडे को हम लेग्स करेंगे। फिर हम वापस वही चीज रिपीट करेंगे, थर्सडे को पुश, फ्राइडे को पुल एंड सैटरडे को लेग्स। तो हमारी इसमें 6 डेज ऑफ ट्रेनिंग होगी। इस वीक में हल्का सा चेंज आया है। चेंज ये है कि जो बड़ी मसल ग्रुप्स हैं जैसे कि चेस्ट, बैक, लेग्स, शोल्डर, इनके हम 4-4 सेट्स करेंगे और जो छोटी मसल ग्रुप्स है जैसे कि ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, एब्स, काव्स, इनके 3-3 सेट करेंगे। सो ये वाली वीडियो पुश वर्कआउट को लेके है। नेक्स्ट वीडियो पुल के ऊपर आएगी, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आएगी लेग्स के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम वार्म अप के साथ शुरू करेंगे। वार्म अप मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ है, सेम है, अपर बॉडी के रोटेशंस वगैरह कर लेने। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइंड बारबेल बेंच प्रेस। इस एक्सरसाइज से मेनली हम अपने चेस्ट के अपर एरिया को टारगेट करते हैं। गाइस, ये एक्सरसाइज बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच बारबेल प्रेस किया था। सेटअप एंड पोस्चर बिल्कुल वही है, सब कुछ फॉर्म वही है, टेम्पो वही है, रेंज ऑफ मोशन सब कुछ वही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे टी शेप फॉर्म नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक एरो शेप फॉर्म करना है और जब बारबेल को नीचे लेके आएंगे आपको अपने अपर चेस्ट में इसको टच करना है और वापस ऊपर लेके जाएंगे और हाथों को लॉक नहीं करना है, कोई जर्क नहीं देना है, मोमेंटम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है और इसका टेम्पो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। जब आप नेगेटिव्स करेंगे यानी नीचे लेके आएंगे तो आप 3-2-1 के टेम्पो में लाएंगे और जब आप वापस ऊपर जाएंगे तो आप एक पुश में ऊपर जाएंगे। इसकी ब्रीदिंग कुछ ऐसे ही होगी, जब पुश करेंगे, जब पॉजिटिव वाला पार्ट करेंगे तो आप एक्सहेल करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे और जब नेगेटिव करेंगे, जब नीचे लेके आएंगे तब ब्रीद इन करेंगे। इसके हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट सेट में हम 10 रेप्स लगाएंगे, सेकंड सेट में फिर से 10, थर्ड सेट में 12 रेप्स लगाएंगे एंड फोर्थ सेट में हम 15 रेप्स लगाएंगे और हर सेट के बीच में हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है गाइस डंबल फ्लाइज। इस एक्सरसाइज से हम अपने चेस्ट को टारगेट करते हैं। इसके लिए आपको एक बेंच चाहिए और 2 डंबल्स चाहिए। आपको बेंच पे लेट जाना है, सब कुछ जो हम चेस्ट के एक्सरसाइज में करते हैं, शोल्डर रिट्रैक्शन, बैक में आर्च बनाना है, सब कुछ वही करेंगे और डंबल को अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह और यहाँ से डंबल को साइड लेके जाना, नीचे 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 लेके जाना है और बस यहीं तक रुक जाना है। ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। अब यहाँ से डंबल को वापस लेके आएंगे ऊपर, अपने चेस्ट के सामने लाएंगे और यहाँ पे लाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मींस एल्बोस से चेस्ट को स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि या तो वो अपने आर्म्स को कुछ ज़्यादा ही फोल्ड कर लेते हैं या तो अपने आर्म्स को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट कर लेते हैं। इतना ज़्यादा नहीं करना, जितना मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है इतना ही स्ट्रेट या फिर इतना ज़्यादा फोल्ड करके रखना है अपने आर्म्स को। इसका टेम्पो भी कुछ वैसा ही रहेगा, जब आप नीचे जाएंगे तो आप आराम से लेके जाएंगे 3-2-1 के टेम्पो में और जब आप वापस ऊपर आएंगे, चेस्ट के ऊपर लेके आएंगे तो एक पुश में लाने की कोशिश करिए। इसके हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट सेट में 10 रेप्स, सेकेंड सेट में फिर से 10 रेप्स, थर्ड में 12 रेप्स एंड फोर्थ में 15 रेप्स और हर सेट के बीच में आप 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले आप 45 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग ओवरहेड डंबल प्रेस, जो कि हमने वीक 1 में भी कर रखा है और इस एक्सरसाइज को अपने शोल्डर्स को टारगेट करने के लिए करते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ रिपीट नहीं करूंगा, आप एक्सरसाइज देखिए। इसमें भी आप 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट सेट 10 रेप्स के लिए, सेकंड भी 10 रेप्स के लिए, थर्ड 12 रेप्स के लिए एंड फोर्थ 15 रेप्स के लिए और हर सेट के बीच में आप रेस्ट लेंगे 30 सेकंड्स का और नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले आप 45 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल अपराइट रोज और इस एक्सरसाइज से हम अपने शोल्डर्स को टारगेट करते हैं। इसमें आपको 2 डंबल्स ले लेना है। गाइज, इस एक्सरसाइज में विथ को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि कितना विथ लेना चाहिए या फिर कितना डंबल्स को बॉडी के पास रखना चाहिए, बहुत सारा इसमें आर्ग्यूमेंट होता है। तो मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको एक्जैक्टली वैसे ही करना है, किसी की नहीं सुननी है। आप हो सकता है इस वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे हो, कोई आगे बोलेगा भाई ऐसे नहीं करना वैसे करना है, तो आपको किसी की नहीं सुननी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक्जैक्टली वैसे ही करना है। तो आपको डंबल कुछ ऐसे ले लेना है और आपको डंबल को अपने निप्पल के विथ में पकड़ना है, ज़्यादा वाइड नहीं, ज़्यादा अंदर नहीं, और यहाँ से आपको डंबल को ऊपर उठाना है। जब ऊपर जाएंगे आपकी एल्बोज ऊपर होगी, आपकी रिस्ट नीचे होगी, फिर आपको पूरा नीचे लेके जाना है एंड वापस ऊपर आना है। और इस चीज को मैं साइड से बताता हूँ कि आपके डंबल्स जो है आपकी बॉडी से कितना दूर या फिर कितना पास रहेंगे। देखिए, आपको अपने डंबल को बॉडी से बिल्कुल ऐसे चिपका के नहीं रखना है, बॉडी से हल्का सा दूर रखेंगे
और आगे से ऐसे उठाएंगे एंड देन इसको नीचे लेके जाएंगे। इसका टेम्पो बिल्कुल वैसा ही है, जब आप पॉजिटिव वाला पार्ट करेंगे इसको ऊपर उठाएंगे तो आप एक बार में ऊपर आ जाएंगे इसको लेके, और जब आप नीचे जाएंगे कंट्रोल्ड मोशन में करना है 3-2-1 के मोशन में नीचे आराम से लेके जाना है। इसके भी हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे लेकिन इसके रेप रेंजेस थोड़े से कम है। फर्स्ट सेट आपका 8 रेप्स का रहेगा, सेकंड सेट भी 8 रेप्स का रहेगा, थर्ड सेट आपका 10 रेप्स का रहेगा एंड फोर्थ वाला सेट आपका 12 रेप्स के लिए होगा। और हर सेट के बीच में आप 30 सेकंड का गैप लेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले आप 45 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्कल क्रशर। ये हम अपने ट्राइसेप्स को टारगेट करने के लिए करते हैं। ये एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी करा हुआ है तो कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप एक्सरसाइज देखिए। और जैसे कि मैंने बताया था ट्राइसेप्स बीइंग अ स्मॉलर मसल ग्रुप, हम इसको सिर्फ 3 सेट्स के लिए परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट सेट आप इसके 10 रेप्स के लिए करेंगे, सेकंड 12 एंड थर्ड सेट 15 रेप्स के लिए, और हर सेट के बीच में 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले 45 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल किकबैक। ये भी हम अपने ट्राइसेप्स को हिट करने के लिए करेंगे। इसमें आपको एक बेंच चाहिए, फ्लैट बेंच, और एक डंबल चाहिए, और इसका पोस्चर यहां पे कुछ ऐसा होगा कि एक नी को एक घुटने को आपको बेंच के ऊपर रखना होगा और दूसरे वाले लेग को नीचे रखना होगा। अगर आप इसको साइड से देखेंगे जो पैर बेंच पे रखा है दूसरा वाला पैर उसके कंपैरिजन में हल्का सा पीछे रहेगा और हल्का सा बेंट रहेगा, और आपको अपने स्पाइन को न्यूट्रल रखना है, अपने हाथ को बेंच के ऊपर रख लेना है कुछ इस तरह से, स्पाइन को रोल नहीं करना है, बेंड नहीं करना है, इस तरह से आपको न्यूट्रल रखना है। उसके बाद अपने एल्बोज को ऊपर उठाना है, इतना उठाना है कि आपके एल्बोज आपके जो अपर आर्म है वो फ्लोर से पैरेलल हो जाए, और यहाँ से आपको ट्राइसेप्स को मूव करना है ऊपर की ओर और ऊपर लेके कुछ इस तरह से लॉक कर लेना है। यहाँ पे लॉक मैटर करता है, और वापस आप इसको नीचे लेके आएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे अपने आर्म्स को एंड वापस ऊपर लेके आएंगे। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, या तो एल्बोज को नीचे ले आते हैं कुछ यहाँ तक, या तो वो स्विंग करते हैं, बहुत ज्यादा झूलते हैं। गाइस इसका टेम्पो वैसा ही है, जब पॉजिटिव करेंगे कॉन्सेंट्रिक वाला पार्ट करेंगे यानी डंबल को ऊपर उठाएंगे लॉक करेंगे तो आप एक पुश में आ जाएंगे, और जब आप डंबल को नीचे लेके जाएंगे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे ट्राइसेप्स को तो आप आराम से लेके आएंगे 3-2-1 के टेम्पो में। और ऐसे ही इसके हम 3 सेट्स करेंगे, फर्स्ट सेट 10 रेप्स के लिए, सेकंड 12 रेप्स के लिए एंड थर्ड 15 रेप्स के लिए, और हर सेट के बीच में 30 सेकंड्स का गैप लेंगे। सो गाइस ये थी वीडियो वीक 3 के पुश वर्कआउट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पुल वर्कआउट के ऊपर होगी। गाइस आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, दिस इज मानस, टेक केयर।